हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस फेरोनिया एक्सटी टैबलेट के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, डोजेस एंड इसके सब्सिट्यूट्स के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमें ये 3 स्ट्रिप्स मिलते हैं। एक पत्ते में 10 टैबलेट्स हमें मिल जाती हैं। इन 10 टैबलेट्स का प्राइस 135 रुपीज़ है। फेरोनिया एक्सटी टैबलेट जुवेंटस का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर फेरोस एस्कोरबेट एंड फोलिक एसिड होता है। तो गाइज, इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। गाइज, इस टैबलेट को आप आयरन की कमी को पूरा करने में यूज़ कर सकते हैं, खून की कमी को पूरा करने में, प्रेगनेंसी में खून की कमी को पूरा करने में यूज़ कर सकते हैं, विटामिन B12 की कमी में यूज़ कर सकते हैं, कॉपर की कमी हो, मैग्नीशियम के लेवल को कंट्रोल करने में और फोलिक एसिड की प्रॉब्लम में, आप इन सब प्रॉब्लम्स में इस टैबलेट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो गाइज, इस टैबलेट को लेने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्टमक पेन हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, तेजी से वेट गेन हो सकता है, ब्लैक स्टूल की प्रॉब्लम हो सकती है और मेंटल डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बात करते हैं अब इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। तो इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सोल्ट से एलर्जी होना, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हाई आयरन लेवल हो और शुगर हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इस टैबलेट को यूज़ ना करें। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में। तो इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रेगनेंसी में वुमेंस को आयरन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि खून की कमी की वजह से वुमेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस देखे जाते हैं। तो उस सिचुएशन में गायनेकोलॉजिस्ट वुमेन को आयरन रिकमेंड करती हैं। तो इस कैप्सूल को दिन में एक बार कुछ खाने के बाद इजीली ले सकते हैं। आयरन को आप हमेशा खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद लेते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और बच्चों से इस टैबलेट को दूर रखें और वुमेंस इस टैबलेट को ज़रूर यूज़ करें, वो भी कंटिन्यू 3 मंथ्स तक, बिकॉज वुमेंस को हर मंथ पीरियड की वजह से बॉडी में ब्लड की कमी हो ही जाती है, इसलिए साल के 3 महीने तो उन्हें रेगुलर आयरन ले लेना चाहिए। तो गाइस, बस ये था इस फेरोनिया एक्सटी टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आपको इस टैबलेट से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। और गाइज, आपसे एक चीज़ और शेयर करनी थी कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है, गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ जाके उस पर एक बार विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।